क्या आपको भी आयुष्मान हेल्थ कार्ड मिला हुआ है? तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरीक़े से आप आयुष्मान हेल्थ कार्ड आप किस तरीक़े से डाउनलोड कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा अपडेट करते हुए अब जो है ये ऑप्शन दे दिया है कि आप घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से आयुष्मान हेल्थ कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोज़ाना। सब्सक्राइब करने के साथ ही आप जो है ये बेल का बटन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। बेल के बटन प्रेस करने से ये होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचेगा। तो इस बेल के बटन को प्रेस कीजिए और मेरा नया नया वीडियो पाइए आप रोजाना। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आपको आयुष्मान हेल्थ कार्ड मिला हुआ है तो आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको आयुष्मान हेल्थ कार्ड कैसे डाउनलोड करना है ये देखने के लिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आप सब कुछ समझ पाएंगे कि किस तरीके से आयुष्मान हेल्थ कार्ड को डाउनलोड किया जाता है। तो इस वीडियो में आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर बनिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आयुष्मान हेल्थ कार्ड जिसमें आपको साल भर में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होता है, इसमें ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया जाता है। सरकार ने एक लिस्ट बना रखी है, उसी के हिसाब से आपको जो है कार्ड मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप आयुष्मान हेल्थ कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइपिंग कर देना है pmjay.gov.in और इंटर करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। तो आयुष्मान हेल्थ कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको pmjay.gov.in पे आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, जहाँ से जाने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पर आ सकते हैं। तो इसमें आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा पोर्टल्स, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे डाउनलोड आयुष्मान कार्ड है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पे आधार कार्ड है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब जो है यहाँ पे स्कीम चूज कर लेंगे तो PMJY आप इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, आप कौन से स्टेट से हैं वो आपको सारा आपको इसमें मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है आधार नंबर या वर्चुअल आईडी आपको इसमें डालना है। आधार नंबर डालने के बाद टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ जनरेट ऑडियो क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपका नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाता है और 1 मिनट का टाइम देता है, तो 1 मिनट में आपको यहाँ पे अपना OTP डाल देना है। इसके बाद यहाँ वेरीफाई वाले पे ओके करेंगे। जैसे देखिए मेरे केस में आ गया है, मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ। तो इसी तरीके से आपके केस में OTP आएगा, वो OTP आपको 1 मिनट के अंदर अंदर में यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ वेरीफाई वाले पे ओके करेंगे। जैसे देखिए मेरे केस में आ गया है, मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ। तो इसी तरीके से आपके केस में OTP आएगा, वो OTP आपको 1 मिनट के अंदर अंदर में यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद यहाँ वेरीफाई वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इनवैलिड OTP है, तो यहाँ पे मेरा नहीं है इसीलिए मेरा शो नहीं हो रहा है, बट जो है प्रोसेस सेम ही है। इस तरीके से अगर आपका होगा आयुष्मान हेल्थ कार्ड तो आपको यहाँ पे आयुष्मान हेल्थ कार्ड जनरेट हो जाएगा। प्रोसेस यही है, आप इस तरीके से आयुष्मान हेल्थ कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहा हूँ। सो गाइस, इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप घर बैठे आप जो है ये काम अपने मोबाइल फ़ोन से और लैपटॉप से दोनों से आप जो है आयुष्मान हेल्थ कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और आप जो है साल भर में 5 लाख रुपये तक का आप जो है मुफ्त इलाज आप जो है करवा सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से आयुष्मान हेल्थ कार्ड डाउनलोड किया जाता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।